नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे, ऐसे वनस्पति के बारे में बात करेंगे, ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी फल के बारे में बात करेंगे, इसी पेड़ के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसके बारे में एक कहावत भी है कि अगर आप इसके फूल को या फल को देख लिए ना, तो आपका भाग्य खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सही कहावत है। दोस्तों, कहने का मतलब यही होता है कि इस पेड़ के ये औषधीय गुणों के बारे में आप पहचान अगर कर लेते हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और अगल बगल के लोग को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इस पेड़ का नाम है गुलर। जी हाँ दोस्तों, गुलर के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं जो इसमें फल लगे हैं गोल गोल, ये गुलर है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसे गुलर का पेड़ के नाम से जाने जाते हैं और करीब करीब सभी बूढ़े से लेकर बच्चे हर कोई करीब करीब जानते हैं। खास करके गांव लोग जो होते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शहर के लोग भी इसको जानते हैं, क्योंकि यह पेड़ जो है ना, गांव हो या शहर, हर जगह आसानी से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आपके क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज इसी पेड़ के बारे में, इसी फल के बारे में विशेष रूप से हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों, चरक संहिता में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इस पेड़ को, इसके फल को विशेष रूप से इसको औषधि गुणों में इसको दिखा गया है। नहीं दोस्तों, यह अथर्ववेद में भी गुलर का बहुत विशेष स्थान रखा गया है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और सबसे श्रेष्ठ वनस्पति में इसको गिना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इसको बूढ़ा आदमी भी इसका सेवन करते हैं ना, तो वो जवानी जैसी उसकी ताकत आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत गलत नहीं है, क्योंकि इसमें वो ताकत होता है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोगी बना कर रखता है और आपके शरीर में जो कमजोरी है, बुढ़ापा जल्दी प्रवेश नहीं करने देता है। आपका स्किन जो होता है ना, उसको जवान रखता है, बाल को स्ट्रॉन्ग करता है, चेहरे की झुर्रियां हटाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि बूढ़ा आपको नहीं लगने देता है, जवानी जैसा महसूस होता है इसका अगर आप सेवन कंटिन्यू करें मेरे बताए हुए अनुसार। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात कर लेते हैं इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, इसी के बारे में हम जान लेते हैं विशेष रूप से। हाँ दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें देखिए गुलर लगा हुआ है, ये गुच्छा जैसा फला हुआ है। ये कच्चे अवस्था में हरे रंग के होता है और पकने के बाद यह लाल रंग हो जाता है। दोस्तों, सबसे खासियत बात है ना कि इसको कहीं से भी चीरा लगाएंगे, तोड़ेंगे, इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। जी हाँ दोस्तों, इस जो गुलर होते हैं ना, इसको डंठल से भी तोड़ेंगे ना कच्चे अवस्था में, भरपूर मात्रा में दूध निकलता है और साथ साथ पकने के बाद ये लाल हो जाता है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या आने की होती है, लिकोरिया की समस्या होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे जिसकी वजह से कमर दर्द, घुटने के दर्द, बहुत तमाम तरह की बीमारी होने लगते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, पुरुष में जो कि भीख की कमी हो जाता है, स्तंभन शक्ति की कमी हो जाता है। वैसे पुरुष जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मेरा मतलब समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो पुरुष में नपुंसकता आ जाता है, धातु की कमी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, उनके लिए यह बहुत अच्छा औषधि है। साथ वो व्यक्ति जो कि दोस्तों बेहद ही कमज़ोर हो चुके हैं, चल नहीं पा रहे हैं, खटिए पे पड़े रहते हैं, या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों करना क्या है आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसका गुलहड़ का जो प्रयोग होता है ना, लोग सब्जी बना के भी इसका प्रयोग करते हैं और कच्चा जो फल देख रहे हैं ना, ये हरे हरे मेरे हाथ में, ये जो होते हैं यह सब्जी के रूप में भी प्रयोग होते हैं। कई जगह तो मुरब्बा बना के खाया जाता है दोस्तों, यहाँ तक कि अचार बना करके लोग रखते हैं अपने घर में और उसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये तीन चार तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो आप आसानी से डेली लाइए और ताज़ा ताज़ा बना करके इसका सेवन करें।
दोस्तों ये तो सीजन की बात है। अगर सीजन है तो आपको पेड़ में आसानी से मिल जा रहा है, तो आप इस तरह से सब्जी और अचार बना लीजिए, मुरब्बा बना करके आप सेवन करें। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इसके कच्चा हो या पका फल आप ले आइए, उसको आधा आधा करके और उसको छांव में सुखाना है दोस्तों। धूप पे डायरेक्ट नहीं रखना है, छांव में सुखाना है। सुखा करके आप क्या करें, इसको पीस करके पाउडर बना लें और इसके बाद डब्बे में रख लें दोस्तों। इस तरह से पाउडर रख लें और इसके बाद ये जैसे 50 ग्राम आप पाउडर रखें ना, तो 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और दोस्तों 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, इस तरह से मिला करके चारों को अच्छे से पाउडर बना करके आप रख लें। फिर दोस्तों जैसे कि आप इसका सेवन जो करने के बता रहे हैं, वो आप जैसे एक चम्मच अगर इसका पाउडर मिक्स किया हुआ पाउडर लेते हैं, तो एक चम्मच के बराबर उसमें मिश्री मिला लें और उसको मिला करके एक गिलास गाय के दूध के साथ इसका सेवन करें दोस्तों। यकीन मानिए आप 10 से 15 दिन करके देखिए, आप पहले दिन से आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। बहुत बेहतरीन काम करता है दोस्तों, आपके शरीर को तंदुरुस्त और अनहोनी ताकत की समस्या हो, बूढ़ा जो खटिया पे लेटे रहते हैं उस उठ नहीं पाते हैं, उनको पिला दीजिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा फायदेमंद होता है गुलहड़ का फल। दोस्तों इतना ही नहीं, जैसे जिन माता बहनों को जो लिकोरिया की समस्या होती है ना, उसके में भी बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको क्या करना है, एक चम्मच जैसे मैंने बताया ना पुरुष के लिए, उसी तरह महिलाओं भी इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लिकोरिया जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, सफ़ेद पानी की जैसी समस्याओं से छुटकारा पाएगा। साथ साथ पुरुष में जो धातु की नपुंसकता की तमाम तरह की जो बीमारी होते हैं ना, उसको यह जड़ से ख़त्म कर देता है। नहीं दोस्तों, जैसे कि माता बहनें में गर्भ में कोई समस्या हो, गर्भ ठहर ना रहा हो या रुक ना रहा हो, तो उनको भी यह सही करता है। या कोई तरह की इन्फेक्शन हो या तरह कोई चीज़ की कमी हो, उसको यह पूरा करता है और आपको गर्भ धारण करने लायक हो जाता है। या गर्भपात की समस्या है, उसको भी यह रोकता है। बहुत बेहतरीन काम करता है दोस्तों। जैसे कि मैंने दोस्तों बता ही दिया है कि इसका सेवन करने क्या है ना, आप सब्जी बना के खाएं, चोखा बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसका अचार बना के रख लीजिए, सालों भर काम आता है और बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। या फिर आप सीजन में हैं, आपको नहीं मिल रहा है आसपास, तो आप इसका पाउडर बना के रख लें, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। इसके पके फल को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे ही फोड़ेंगे ना पका हुआ, लाल जब होता है तो उसको निकाल देंगे, बीच वाले जो पार्ट होते हैं ना उसमें कीड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पकने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो आप इसको पानी में डालेंगे, कीड़ा निकल जाएगा और बीच का साफ करके किनारे किनारे जो भाग होता है उसको आप सेवन करें सुबह सुबह, बहुत फायदा होगा। इसका फल अमृत के समान है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे डायरेक्ट इसका फल खाते हैं ना, जैसे पेट की सारी समस्या को आपको ठीक करेगा, यहाँ तक कि दोस्तों अल्सर की समस्या है ना, उसको भी जड़ से ख़त्म कर देता है। अल्सर के लिए भी रामबाण का काम करता है दोस्तों। पेट में जैसे गैस बनता है, कब्ज की समस्या हो गया, पेट से लेकर के कोई किसी भी प्रकार का बीमारी है, उसको यह सही करने के लिए गुलर का फल बेहद बहुत ही चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है। आप इसका प्रयोग जरूर करें दोस्तों, और बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, पुराना से पुराना दर्द होता है जो बराबर बना रहता है, तो दोस्तों इसके पत्ते को आप ले आएँ और पत्ते के रस निकाल करके और उसको सेवन कराएं दोस्तों। कितना भी भयंकर भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा हो, उसको यह 5 मिनट के अंदर सही करता है। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा है पेट से तमाम तरह की बीमारी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों पेट दर्द होना कोई बीमारी नहीं है, बस बीमारी का ये लक्षण मात्र है। किसी पेट में अगर कोई तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका एक लक्षण होता है, पेट दर्द होना, फीवर आना, सर्दी होना, जुकाम होना, ये सब एक लक्षण होता है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए घबराए ना आप, अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, पेट में कब्ज है, गैस बनने की समस्या है, तो उसमें दर्द होता ही होता है। तो दोस्तों ये लक्षण होता है, इसलिए आप इसका घबराए नहीं, आप इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा। पेट से लेकर तमाम तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है दोस्तों। इसका एक और प्रयोग बताएंगे, बहुत ही खास है। जैसे कि दोस्तों आपने बरगद का दूध, पीपल का दूध और यह गुलर का दूध, सबका प्रयोग करते हैं, बहुत ही आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। अगर किसी को कमजोरी आ रहा है, तो दोस्तों आप क्या करें, इसके 2 बतासे ले लें और इसका जो बरगद इसका गुलर का दूध होता है ना, उसका 2-3 बूंद उसमें टपका करके और सुबह सुबह खाली पेट उसको खा लें दोस्तों। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उसको यह दूर करता है। चाहे शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो, या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, उसको बहुत अच्छा यह काम करता है गुलहड़ का दूध। आपने देखा होगा पीपल, बरगद और गुलहड़,
ये तीनों पौधा जो पेड़ जो होते हैं ना, सामान्य होते हैं, चाहे धर्म की दृष्टि से देखा जाए या फिर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, फल भी एक तरह से समान होते हैं, करीब करीब होते हैं, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होते हैं, लेकिन यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए तीनों पेड़ में बहुत ही खास गुण होता है। चीर हवन जो होते हैं ना, अगर किसी को मुंह में बदबू आ रहा है जैसे पेरिया की वजह से या फिर कोई वजह से, तो आप इसके पत्ते को लें और चार पांच ले लें, अच्छे से धुल करके और चबा करके इसको खाएं। दोस्तों आपके मुंह से जो बदबू आता है ना, उसको भी यह सही करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो जैसे कि गुड़हल जो होते हैं ना, ये ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, इसके ठंडी तासीर होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को भयंकर दर्द हो रहा हो या शरीर में कहीं भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो, जैसे पेट की गर्मी, पेट की गर्मी हो रहा है, तो इसके छाल को ला करके पीस करके लेप लगाए। दोस्तों सरदर्द की अगर समस्या है उसको सही करेगा, शरीर में कहीं पर भी कभी कभी तलवे में जलन होता है, दोस्तों इसका पेस्ट लगाएं छाल का, और बहुत अच्छा आपको राहत मिलेगा, शीतल प्रदान करेगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्तों इसके ये जो छाल है ना, इसको सुखा करके पाउडर बना करके आप ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करें, उससे भी आपकी शारीरिक जो गर्मी है ना उसको सही करता है, आपके शरीर को शीतल बनाता है, माइंड को शांत रखता है। साथ साथ दोस्तों इसके पत्ते को भी आप चबा के खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने बताया है कि इसका तासीर ठंडी होती है, इसलिए शरीर को ठंडक देने के लिए बहुत अच्छा होता है, शीतल प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में आप पीजिए, बहुत फायदा होगा। दोस्तों शरीर में कहीं भी सूजन हो जाए ना, तो दोस्तों इसके छाल को पीस करके आप उस पर भी लेप लगाइए। दोस्तों वहाँ पे जो सूजन हो गया है या फिर दर्द हो रहा है उसको यह सही करता है। जैसे कि कभी कभी होता है ना, चोट मोच लग जाने की वजह से सूजन हो जाता है, उसको भी यह सही करता है। दोस्तों गुड़हल बहुत ही दिव्य औषधि है और इसका प्रयोग होता है, आज से नहीं है दोस्तों, हजारों साल से होता है, और हमारे भारतवर्ष में तो होता ही होता है, गांव घर में जाए आज भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों जानकारी के अभाव में लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और यह पौधा जो है ना दोस्तों पूरे भारतवर्ष में मिलता है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। गुड़हल का फल, फूल, पत्ते और छाल का बहुत अच्छा आयुर्वेद में प्रयोग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।